हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति टेस्टी ट्रीट। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रहा हूँ बेहद आसान है, जल्दी से तैयार हो जाती है। सर्दियों में हम ताजे मटर से बनाएंगे कुछ चटपटा नाश्ता और इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और यदि रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलिए झटपट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा टेस्टी चटपटे हरे मटर का नाश्ता जो बनाना बेहद आसान है। तो चलिए जानते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी। मैंने एक बोल ताज़ा मटर ली है, दो आलू लिए, उनको छीलकर मैंने काट लिया है और चार छोटी लहसुन की कलियां, इन सभी को अभी हमें उबालना है। मैंने कुकर में एक गिलास पानी लिया है। अब हम इसमें डालते हैं आलू, मटर और लहसुन और इन सभी को अब हम बॉईल कर लेते हैं। तीन चार सीटियां लगाने के बाद में देखिए हमारे आलू मटर बॉईल हो चुके हैं। तो चलिए अब इसका पानी निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। हमने बॉइल्ड आलू मटर को निकाल लिया है और ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। और मैंने चार ब्रेड की स्लाइस ली हैं। अब हम इसे पानी में डिप करेंगे और ऐसे स्क्वीज करके इसका पूरा पानी निकाल लेंगे और ऐसे इसको टुकड़े करके इसमें डालेंगे। मैंने सारे ब्रेड की स्लाइस को इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें सब्जियां डालना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं डालूंगी शार्प चॉप की हुई प्याज। मैंने एक इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है तो इसे भी डालूंगी मैं। दो हरी मिर्च, इसको भी मैंने शार्प चॉप कर लिया है और लास्ट में धनिया की पत्ती। अब मैं मसाले डालना स्टार्ट करूंगी। पहले मैं डालूंगी एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सभी को मिक्स करने के बाद में मैंने हाथ को तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह की बाकी की टिक्कियां भी हम तैयार कर लेते हैं। हमने सारी टिक्कियां बना ली हैं। चलिए अब इसे शैलो फ्राई करते हैं। मैंने नॉनस्टिक की तवा लिया है और उस पर एक बड़ा चम्मच तेल डाल के उसको गरम कर लिया है। अब हम इसमें टिक्कियां डालना स्टार्ट करते हैं। इन टिक्कियों को हमें दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक अच्छे से फ्राई करना है। अब हम इसे पलट कर देख लेते हैं कि क्रिस्प हुई है या नहीं। तो देखिए दोनों तरफ से हमारी टिक्कियां अच्छे से क्रिस्प हो चुकी हैं। तो चलिए करते हैं अब इसे सर्व। और हमारा मटर आलू का चटपटा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये डिफरेंट रेसिपी भी है और हेल्दी भी है। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय।